हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसेंशियल ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल को सेपरेट करने का प्रोसेस डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले जानते हैं एसेंशियल ऑयल क्या होता है। एसेंशियल ऑयल्स वैसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कि ऑडिफेरस और स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स के मिक्सचर है। इसको हम लोग सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू वाटर का मदद लेकर के। तो जब हम ये पूरे प्रोसेस को वाटर का हेल्प से करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहता है, हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। यानी हाइड्रो वाटर के लिए उपयोग किया गया, तो वाटर की वजह से इसका पूरा नाम हो गया हाइड्रो डिस्टिलेशन। तो इसके टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा हम लोग हाइड्रो डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो जो पहला प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं हम लोग वाटर डिस्टिलेशन करते हैं। ये एक सिंपल मेथड है। इसमें प्लांट मटेरियल जिसको डिस्टिल करना है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है बॉयलिंग वाटर के, जो एक डिस्टिलेशन स्टील में रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो इसका मतलब बहुत जगह इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं और बहुत जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि तो एडवांटेज उसका ये हो जाता है, जो वैसे मटेरियल्स जो क्या कहता है फाइन पाउडर रूप में पाया जाता है, उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए ये एक एडवांटेज है इस प्रोसेस का। वहीं वैसे सब्टांस जिसका डिस्टिलेशन करना है और अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, तो वैसे सब्टांस के लिए ये प्रोसेस एक डिसएडवांटेज के रूप में काम करता है। यानी यह प्रोसेस वहाँ उपयोगदायक नहीं होगा। आगे फिर हम लोग बात करते हैं अगले मेथड्स के बारे में। तो पिछला जो मेथड्स था वो बहुत ही सिंपल मेथड था, लेकिन वही इम्प्रूव करके एक नया मेथड लाया गया जिसका नाम है वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। यानी इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो प्लांट मटेरियल उसको सपोर्ट किया जाता है एक क्या कहते हैं परफोरेटेड ग्रिड और फॉल्स बॉटम, या एक फॉल्स बॉटम होता है अबव द बॉटम ऑफ द डिस्टिलेशन स्टील। यानी जो डिस्टिलेशन स्टील है उससे ऊपर एक फॉल्स बॉटम में उसको सपोर्ट किया जाता है। लोअर पार्ट में क्या होता है, वाटर होता है, और जब इसी वाटर को हीट करते हैं तो एक वेट स्टीम राइज होता है जिसके द्वारा क्या कहता है मटेरियल मटेरियल के थ्रू और एक लो टेम्परेचर पे, और इसके वजह से क्या होता है हाइड्रोलाइसिस यहाँ बहुत ही लो रेट पे होता है और डिस्टिलेशन बहुत ही रैपिड प्रोसेस यहाँ होता है। इसके वजह से ईल्ड जो है ऑयल का वो बेटर होता है और उसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो ऑयल का बहुत ही अच्छा होता है। अगला जो मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस ये सेम उसी तरह वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के जैसा है, लेकिन इसमें अंतर ये है जो उसके जो लोअर या लोअर पार्ट में जो डिस्टिलेशन स्टील के वाटर होता था, इसमें वाटर नहीं रखा जाता है। यहाँ क्या होता है, लाइव स्टीम सेचुरेटेड या फिर सुपर हीटेड स्टीम को बहुत ही हाई प्रेशर जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा होता है, उसको बॉटम स्टील से पास किया जाता है। यहाँ पे इसकी वजह से रेट ऑफ डिस्टिलेशन बहुत ही हाई होता है। तो जो प्रोसेस है वाटर और स्टीम डिस्टिलेशन और डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन, ये पूरा मतलब एक जैसा ही है। फर्क इतना है जो इसमें डायरेक्ट स्टीम पास किया जाता है और वही वाटर और स्टीम डिस्टिलेशन में पहले एक वाटर रहता है, उसके बाद स्टीम पास किया जाता है।